हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह के रहमो करम से आप सब खैरियत से होंगे। हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी इटालियन लज़ानिया की रेसिपी। बहुत ही यम्मी और टेस्टी डिलीशियस रेसिपी है ये, और बहुत ही इजीली बन जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं लज़ानिया किस तरह से बनाती हूँ। एक पैन में 2-3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लेंगे, उसमें 2-3 टेबल स्पून एकदम फाइन चॉप करके गार्लिक को ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसे सॉटे करेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज को फाइन चॉप करके ऐड कर देंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, प्याज को इतना भूनना है कि वो बस ट्रांसलूसेंट हो जाए। ये देखिए, ये प्याज हमारी ट्रांसलूसेंट हो गई। अब इसमें मैं ये 1 kg चिकन को मैंने चॉप कर लिया है फाइन, वो इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो बीफ या मटन के कीमे में भी बना सकते हैं। साथ में मैंने इसमें 1 tablespoon नमक ऐड किया है, और इसको इतनी देर हम कुक करेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और इसका अपना पानी खुश्क हो जाए। नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इसका पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसमें 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon ड्राइड बेसल लीव, 2 teaspoon ऑरिगैनो, 1 teaspoon इटालियन हर्ब और 1/2 teaspoon क्रश ब्लैक पेपर, ये चीज़ें इसमें ऐड करें। अगर आपके पास इसमें से कोई चीज़ नहीं है तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। ये सब डाल के इसको थोड़े से मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैं इसमें ये चॉप किए हुए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ, और साथ में 3 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट। सब चीज़ डाल के थोड़ा सा इसे भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर दें। अगर आप बीफ का या मटन का कीमा ले रहे हैं तो पानी आप ज़्यादा डालेंगे, अगर चिकन ले रहे हैं तो 2 ग्लास इनफ है। इसको कवर करके हम इतनी देर कुक कर लेते हैं कि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका सॉस रेडी करते हैं। सॉस बनाने के लिए ये 70 ग्राम मैं बटर ले रही हूँ। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। ये बटर मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें 4 teaspoon मैदा ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। एक 5 मिनट के लिए इस तरह से इसको चलाते जाएंगे। जब बटर और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इस तरह से इसमें बबल्स आने लगेंगे तो हमारा ये मैदा भुन गया। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मैं इसमें 850 लीटर मिल्क ऐड कर रही हूँ। धीरे धीरे दूध डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे। अगर आप साथ में चलाएंगे नहीं तो इसमें लम्ब्स पड़ जाएंगे, और इसको हम जब तक के चलाते रहेंगे जब तक कि ये हमारा थिक नहीं हो जाता है। साथ ही मैं इसमें 1 teaspoon ऑरिगैनो और 1 teaspoon इटालियन हर्ब डाल रही हूँ, और 1/4 teaspoon नमक। नमक कम ही रख रहे हैं क्योंकि नमक हमारा चिकन में भी है और चीज़ भी जाएगी उसमें भी नमक होगा, इसलिए नमक को कम रखना है। ये देखिए, ये सॉस हमारा रेडी हो गया। अब लास्ट में ये जायफल है। जायफल को हम इस तरह से ग्रेट करके इसमें 1/4 teaspoon ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। ये सॉस हमारा रेडी हो गया, और ये रही इसकी कंसिस्टेंसी। इतना ही हमें इसे थिक रखना है। ये रखने के बाद और थिक हो जाएगा, तो बस हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। चिकन को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये चिकन भी हमारा रेडी हो गया। हमें इस तरह का वाटरी सॉस ही चाहिए चिकन का, एकदम हमें इसे सुखाना नहीं है, इसमें इतना पानी रहना चाहिए। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब हम लज़ानिया की असेंबलिंग करते हैं। ये मैंने 12 शीट ली है लज़ानिया की, जिसको गर्म पानी में डिप कर दिया है। ऊपर से ये मैं गर्म पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको 10 मिनट के लिए इसमें सोक कर लेंगे। इन्हें मैं बॉयल नहीं कर रही हूँ। जिस भी ट्रे में आपको लज़ानिया को बेक करना है उसमें नीचे हम ये 1 medium size का टोमेटो चॉप करके डाल रहे हैं,
और साथ में 2-3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। इससे क्या है, ये ट्रे में चिपकेगा नहीं। उसके बाद ये लज़ानिया शीट जो पानी में डिप करके रखी थी उसको लगा दिया है। ऊपर से जो चिकन हमने कुक किया है उसकी एक लेयर लगाएंगे, उसके ऊपर जो सॉस बनाया है उसकी एक लेयर लगाएंगे, उस पर मेज़ोरेला चीज़ ऐड करेंगे और साथ में इटालियन हर्ब ओरिगैनो ये स्प्रिंकल करेंगे और चिली फ्लेक्स। इसी तरह से हम इसकी दूसरी लेयरिंग करेंगे, पहले शीट लगाएंगे, उसके बाद चिकन, फिर वाइट सॉस, देन चीज़ और उसके ऊपर इटालियन हर्ब और ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स। इसी तरह से हम प्रोसेस रिपीट करके थर्ड लेयर भी लगाएंगे लज़ानिया की। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनता है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। ये देखें, ये हमने रेडी कर लिया। अब इसको बेक करने के लिए हम इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल से इसे कवर करेंगे। तो पहले हम एल्युमिनियम फॉयल पे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे ताकि जब चीज़ हमारी बेक होगी तो ये इसमें चिपके नहीं। इसको इस तरह से कवर करके ओवन को प्री हीट करके 220 डिग्री पे हम इसे 1 घंटे के लिए या 50 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा रेडी हो गया यमी सा डिलीशियस सा लज़ानिया। अभी मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है इसका लुक। इस तरह से इसे सर्व करके ऊपर से थोड़ी सी पार्सले फ्रेश और ओरिगैनो और चिली फ्लेक स्प्रिंकल करके इसको सर्व करते हैं और ये यमी सा रेडी हो गया। बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस बना है, आप इसे एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे औरों के साथ शेयर करिए। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।